हवाले से खबर मिल रही है और राजभवन से भी खबर कुछ लोगों द्वारा ऐसी बताई जा रही है। अभी तक हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। तो कैसा अनुभव है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की चीजें रहेंगी? देखिए, हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए, अपने कर्तव्य को जो गरीब कमजोर वंचित सोचतों की मदद करते रहे, उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको वो नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित सोचतों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना कि जागो तभी सवेरा है, आप अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी के लिए आप लड़ो, समाज में अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो, इसके लिए हम उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन सा अगर आपको मंत्रिमंडल में? हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है, मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे, और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित सोचतों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना और उनके साथ मिलजुल करके रहना। फिर भी कौन सा विभाग रहे जो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जिसमें आप जनहित की ज्यादा सेवा कर सकते? अब जनता से जुड़े हुए जो विभाग हैं, जनता की सेवा तो जनता के विभाग जो जुड़े हुए उसी से किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करी, उसके बाद उनके परिवार को लेकर के बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि पूरा 140 करोड़ का जो देश है सभी मेरे परिवार वाले हैं, मेरे भाई। देखिए, वो लालू जी बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा भी है। पूरे देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में एक मजे हुए खिलाड़ी थे और आज बेशक सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, अब उन्होंने अपनी विचार से जो कहा हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, वो प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जो परिवार है उसके मालिक हैं, उनका परिवार है, उसकी देखरेख, उसकी खुशहाली, उसकी सुरक्षा, उसको अधिकार, तो जिम्मेदारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। इस तंज के बाद लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सब अपने ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे नाम के आगे मोदी का परिवार लिखने लगे हैं। तो अच्छी बात भाई, 140 करोड़ जो आबादी है वो प्रधानमंत्री जी का ही ना परिवार है, उन्हीं की देखरेख में फल फूल रहा है। एक बड़ा सवाल रहेगा, कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन मारवाड़िया ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कांग्रेस जो काम कर रही है अपने नेताओं के साथ, और तो उसका नतीजा उसको मिल रहा है। नेताओं से न मिलना, नेताओं से बात न करना, उनकी बात को न सुनना, ये सबसे बड़ा कारण है।